राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता होटल शिवबिलास में जुटे हैं। कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। होटल जेडब्ल्यू मैरियट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सीएम गहलोत चुनावी तैयारियों को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देंगे। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कांग्रेस की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी होटल जेडब्ल्यू मैरियट में। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में सियासत तेज हो गई है। सभी दिग्गज नेता होटल शिवलास में जुटे हैं और अब कांग्रेस की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव को लेकर जानकारी इसमें देंगे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कांग्रेस की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी होटल जेडब्ल्यू मैरियट में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सीएम अशोक गहलोत चुनावी तैयारियों को लेकर जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे, इस प्रेस वार्ता में देंगे। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। लगातार सियासत तेज होती जा रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यसभा चुनाव को लेकर ये यकीन करते हैं कि रणनीति बीजेपी की कामयाब नहीं हो पाएगी। उन्हें पूरा विश्वास है अपने विधायकों पर, अपनी टीम पर, और पूरा गर्व है उन्हें। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब होगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इसमें जानकारी देंगे। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, डिप्टी सीएम सचिन पायलट इस दौरान मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी होटल जेडब्ल्यू मैरियट में। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दिनेश कसाना फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, चुनाव की तारीख जो है वो नजदीक आती जा रही है और कांग्रेस के भी सभी नेता होटल शिवलास में जुटे हैं। सियासत तेज होती जा रही है, क्या नई अपडेट मिल पा रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज होगी? बिल्कुल, देखिए मनीषा, प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं और उसके लिए दो दो उम्मीदवार कांग्रेस बीजेपी ने उतारे हैं। तो खरीद फरोख से बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की है। होटल शिवविलास में विधायकों को पिछले 2 दिन से यहां पर रखा गया है। हालांकि स्वैच्छिक बाड़ेबंदी है, जो विधायक जाना चाहते हैं वो जा भी रहे हैं। विधायक दल की बैठक परसों भी हुई थी, कल भी सभी विधायकों से 1-to-1 जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने चर्चा की है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उनके विधायकों को इस तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, निर्दलीय विधायकों को इस तरह के बीजेपी की ओर से प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे राज्यसभा के उम्मीदवार हैं केसी वेणुगोपाल, संगठन महासचिव भी हैं, एआईसीसी प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे हैं, पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट, तमाम जो नेता हैं अभी कुछ देर बाद प्रेस को संबोधित करेंगे। उसमें क्या आज किस मुद्दे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसको लेकर आगामी जो रणनीति है कांग्रेस की, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर कि कुछ विधायकों को निर्दलीय हैं, उनको बीजेपी की ओर से फोन किए गए, तो माना जा रहा है कि उन विधायकों को यहाँ पर भेज किया जा सकता है प्रेस के सामने। इन विधायकों को बीजेपी की ओर से प्रलोभन दिया गया है। आगामी रणनीति क्या होगी, देखिए जो राज्यसभा के उम्मीदवार है केसी वेणुगोपाल, वो रात को ही जयपुर पहुंच गए थे, आज उनके साथ विधायक दल की बैठक भी होनी है। तमाम विधायकों से वेणुगोपाल 1-to-1 चर्चा करेंगे, किसी तरह की किसी कोई नाराजगी ऐसी कोई बात हो, तमाम विधायकों से जो प्रभारी अविनाश पांडे उन्होंने भी कल चर्चा की, लेकिन इसी तरह की कोई बात नहीं है, सब एकजुट हैं। लगातार कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं। साथ ही बड़ा अपडेट ये है कि पिछले 2 दिन से होटल शिवविलास में सभी विधायकों को ठहराया गया था, लेकिन आज इन विधायकों को होटल मैरियट में शिफ्ट करने की बात है। तो ये लंच के बाद होटल मैरियट में इन विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद यहीं पर 19 जून तक इन विधायकों को रखा जाएगा। जी बिल्कुल दिनेश, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। जेडब्ल्यू मैरियट होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है।